हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप डेली वेयर में साड़ी को सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। अगर आप इस तरह से ड्रैप करेंगी आपका लुक स्लिम टॉल नजर आएगा, साथ ही साथ आपकी साड़ी तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप ना चाहे। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। अब जो पेटीकोट वेयर का ये शेप वेयर पेटीकोट है जिसका फैब्रिक स्ट्रेचेबल होता है, काफ़ी अच्छे से बॉडी को हग कर लेती है, नीचे से इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर मिल जाता है, ऊपर की तरफ डोरी भी दी जाती है। अब जो टमी पे वेयर कर रखा है ये एक बॉडी शेप वेयर है, और यहाँ जो मैंने ब्लाउज वेयर कर रखा है ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है, तो सभी की परचेज डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम अपनी साड़ी लेंगे एंड इस साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो क्रेप सिल्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोई होती है और बहुत ज़्यादा फिसलती है, तो इस तरह की साड़ियाँ डेली वेयर में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है। अब हम साड़ी को खोलेंगे और ये वाला पोर्शन साड़ी का पल्लू है, पल्लू वाला पोर्शन रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना है। इस साड़ी को भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, आपको परचेजिंग डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो साड़ी का आखिरी सिरा है इसमें से मैंने ब्लाउज यहाँ पर नहीं निकाला है, तो ब्लाउज वाले पोर्शन को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं ब्लाउज के साथ क्यों वेयर करती हूँ, तो मैं ब्लाउज कट नहीं करती हूँ क्योंकि वो खो जाती हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है तभी मैं कट करती हूँ। तो फिलहाल मैंने देखिए ब्लाउज वाले पोर्शन को अंदर फोल्ड कर लिया है और सामने के पार्ट को अपने लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब यहाँ जनरली मैं राइट से टक करती हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप डेली वेयर में साड़ी को यूज़ करने वाले पूरे दिन के लिए तो नेवल से आपको चार अंगुल राइट में जाकर टक करना है। आप देख रहे हो आपका जो नेवल है ना इससे चार अंगुल राइट में जाकर टकिंग करें, फिर आपको इस तरह से लेफ्ट में टक करना है और जो सामने का पार्ट है ना इसको अच्छे से आपको इंसर्ट कर लेना है पेटीकोट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस तरह से देखोगे तो नेवल से चार अंगुल राइट में जाकर मैंने टकिंग की है, तो आप इस तरह से इजिली से टक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको राइट से नहीं नेवल के चार अंगुल राइट में जाकर टकिंग को शुरू करना है। अब सब सामने का पार्ट टक हो गया है तो साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे एंड यहाँ राइट साइड में देखिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करते हुए सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद हम बैक के भी पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग कंप्लीट हो गई है और अभी आप इसका लुक देख सकती हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पर जाएंगे, सीधे नहीं जाते नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पल्लू वाला पोर्शन है इसको आपको लेना है और बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। अब पल्लू को बनाने के लिए हम ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए पल्लू वाले पोर्शन को सामने लाना है और लेफ्ट वाले हैंड में देखिए पल्लू के कॉर्नर को मैंने यहाँ पकड़ा है ना, और यहाँ से इस तरह से अपने लेफ्ट वाले हैंड से एक हाथ मैंने फैब्रिक मेज़र कर लिया है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से देखिए डबल फोल्ड हो जाने के बाद आपका जो सामने बंद वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना उसको इस तरह से देखिए एक बराबर लेते हुए पकड़ना है, और यहाँ पर देखिए पल्लू आपका डबल फोल्ड हो चुका है। अब ये देखिए आपके कॉर्नर बिल्कुल मिले हुए हैं, इस तरह से आपको मिला लेना है और आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। अब तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठा रही हूँ इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया है। देखिए राइट हैंड साइड से प्लीट उठाते वक्त मैं देख रही हूँ कि मेरे पल्लू का जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल मैच है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोटे स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ना है, सामने की टू फिंगर को कैची की तरह करते इसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। यहाँ पर आप जितनी चौड़ी या पतली प्लीट चाहे बना सकती हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि और सामने की प्लीट बाकी की प्लीट से हाफ इंच चौड़ी हो, और हैंड को देखिए मैं थोड़ा आगे ले जाती हूँ इस तरह से फैब्रिक को पकड़ रही हूँ ताकि जो प्लीट की फैब्रिक है बिल्कुल एक बराबर आए। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमारा जो बॉर्डर है ना पल्लू का कॉर्नर बिल्कुल मैच हो गया है, तो अब हम सभी की प्लीट्स बना लेंगे। अब जो आखिरी वाली प्लीट है ना इसका डायरेक्शन देखिए आपका कभी भी राइट की तरफ होना चाहिए तो लेफ्ट की तरफ है, तो आखिरी प्लीट को थोड़ा सा मैं पतला कर ली हूँ और इसके डायरेक्शन को राइट की तरफ कर लिया और फ्रंट वाला लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट हैंड में प्लीट को पकड़ते हुए देखिए फैब्रिक को आगे लाएंगे और जहाँ तक पल्लू आपका डबल फोल्ड है उसके आगे पकड़ के इस तरह से झटक देना है, तो आपकी जो डबल लेयर है देखिए एक लेयर बाहर आ चुकी है। अब जो लेयर आपकी बाहर आ गई है ना इसको अपने लेफ्ट वाले हैंड पे रख लेना है और इस तरह से थोड़ा सा शेक करना है। शेक करने से क्या होता है कि प्लीट्स हमें नज़र आती है और हम इजिली से अरेंज कर पाते हैं, तो देखिए साइड से थोड़ी सी दूरी पे हम वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्लोई है ना तो ईजिली से उनकी प्लीट इस ट्रिक से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया है। अब जो लेफ्ट हैंड में फैब्रिक पकड़ा है ना इसे हम छोड़ेंगे और थोड़ा सा इस तरह से झटकने के बाद लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए देखिए हम यहाँ पर पल्लू की लेंथ देख लेंगे, तो मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉल नज़र आता है। अब सेफ्टी पिन की हेल्प से ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है,
तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है उससे 1 या 2 इंच बैक में आए। पल्लू की प्लेट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन ब्लाउज के अंदर से लगानी है, उसकी नोक बाहर की तरफ जब आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। सो यहाँ पर देखिए पल्लू हमारा अच्छे से शोल्डर पे सिक्योर हो गया है। इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने से पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरता है। अब हम सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर देखिए जो पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर है ना, जो अंदर वाला फैब्रिक, इसको चेस्ट पर इस तरह से सेट करना है थोड़ा सा क्रॉस में रखते हुए, ताकि नेक के ऊपर भी ना चढ़े और अच्छे से चेस्ट पर हमारा बॉर्डर भी सेट रहे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने सेट कर लिया है। अब पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए लेफ्ट की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर प्लीट को थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए ये जो फैब्रिक हमारे हिप पे आई हुई है, इसको सेट करते हुए इस तरह से राइट हैंड साइड तक लेकर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए इतना दूर तक फैब्रिक को मेजर करके छोड़ देना है, यानी एक प्लीट का फैब्रिक आपको छोड़ देना है। और इसके बाद जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका जो रहता है वो सेम ही रहता है। सो मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड से प्लीट उठा रही हूँ। तो देखिए यहाँ जितना फैब्रिक मेजर किया था उसके आगे हमें पकड़ना है, तो थंब और उसके बगल वाले 3 फिंगर से पकड़ लूँगी और जो स्मॉल फिंगर अलग दिख रही है इसमें फैब्रिक को फंसाते हुए इस तरह से फिंगर के ऊपर से घुमाते हुए सामने लाकर थंब से दबाना है। और फिर देखिए इस तरह से आपकी जो प्लीट है ना वो बनती जाएगी। इस तरह से प्लीट जो बनती है ना काफ़ी ईजिली से बन जाती है और पकड़ भी अच्छी होती है। इसे हम फोल्डेड स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्मॉल फिंगर निकालोगे आपकी प्लीट्स खुल जाएगी। सो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 1 बाय 1 सभी साड़ियों की प्लीट्स बना लेंगे। अब जब आप प्लीट बनाती हुई आती हैं तो सबसे ऊपर की जो प्लीट होती है ना, यहाँ पर देखिए सभी साड़ियों की प्लीट नहीं बनानी है, एक प्लीट का फैब्रिक छोड़ देना है। जैसा कि मैं बोलती हूँ, अगर आप राइट से प्लीट बना रहे हो तो 9वां से 4 अंगुल आगे जाकर आपको प्लीट उठानी है। सो यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर निकालते ही प्लीट हमारी खुल चुकी है और इनके डायरेक्शन को आपको रखना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने के बाद देखिए एक ही बार में प्लीट आपकी नीचे तक सेट हो जाती है। इसलिए डेली वेयर में कभी भी फ्लोई फैब्रिक की साड़ियाँ यूज़ करें, ताकि बार बार प्लीट को सेट ना करना पड़े। अब प्लीट्स बन जाने के बाद हम ऊपर की तरफ से अरेंज करते हैं, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए। इस तरह से अरेंज करने से हमारे सभी प्लीट्स उभर के नजर आती है और नीचे से अनइवन फॉल साइड भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट अरेंज हो गई। अब टमी के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को पकड़ लेना है, केवल पहली प्लीट को खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहली प्लीट को चौड़ी करेंगे। तो कभी भी आपको पहली प्लीट चौड़ी करनी है तभी वो अच्छे से सेट रहती है, और ऐसा करने से राइट साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पहली प्लीट बाकी की प्लीट से चौड़ी हो गई है। अब अंदर से एक एक प्लीट को हम अच्छे से पकड़ लेंगे, ताकि कोई प्लीट्स हमारी छूटे ना। तो यहाँ पर देखिए प्लीट को पकड़ते हुए थोड़ा सा आपको झटकना है, और यहाँ पर देखिए प्लीट कितने अच्छे से हमारी बन चुकी है। अब हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम अपनी प्लीट को अरेंज करेंगे। सो देखिए इस तरह से नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेज़र करें। अब आपको जब पता चल जाएगा इतना पोर्शन अंदर टक करना है, वहीं पर इस तरह से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करें। कोई प्लीट्स अंदर दबी ना हो इस बात का ध्यान दें। और देखिए नेवल के ठीक सामने रखते हुए इन प्लीट को आपको पेटीकोट में टकिंग करना है। अब देखिए टक करने के बाद अगर आपको लगता है ना कोई प्लीट आपकी दब गई अंदर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर ले, हल्का हल्का फैला दे, जिससे प्लीट्स आपकी नज़र आए। इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग। अब देखिए प्लीट हमारी अच्छे से यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आपको क्या करना है, इन प्लीट को सिक्योर कर लेना है। तो सिक्योर करने के लिए आपको साड़ी पिन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकती हैं, बट यहाँ पर मैं केवल एक सेफ्टी पिन से आपको साड़ी दिखा रही थी, इसलिए मैं साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप ये वाली सिक्योर कर लेते हो ना प्लीट को, तो आपकी साड़ी तब तक नहीं खुलती जब तक आप ना चाहो। अगर आप सेफ्टी पिन लगा रहे हो तो पेटीकोट के अंदर से लगाना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैनेज करने के लिए राइट साइड की तरफ थोड़ा सा पार्ट ओपन करेंगे, जिसमें राइट हैंड इजीली से जा सके। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका राइट हैंड नहीं जाता है तो आप लेफ्ट हैंड से भी इस तरह से लेकर जा सकते हैं फैब्रिक को। अब देखिए पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे, अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए चेस्ट पर देखिए पल्लू वाले पोर्शन को एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचते हुए सामने लेकर जाना है। और यहाँ राइट साइड से जो पार्ट ओपन किया उसमें राइट वाले हैंड को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए मैं राइट की तरफ खींच रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको उतना ही खींचना है जितना फिटेड रखना चाहती हैं। मैं जनरली घुटने तक फिटेड रखती हूँ, तो इतना ही खींचती हूँ कि मेरा घुटने तक फिटेड हो जाए। और देखिए यहाँ पर बॉर्डर भी ना मुड़े इस बात का भी ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फिटेड हो गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल गया इसे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक नॉट लगाऊंगी। इस तरह से गांठ लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी साड़ी फिसलने वाली है तो, क्योंकि हो सकता है पूरे दिन वेयर करने के बाद ये टकिंग निकल जाए। तो इस तरह से गांठ बांध के अगर आप टक करेंगी तो अब ये टकिंग निकलने की डर नहीं होगी और हिप वाला पोर्शन भी फिटेड रहेगा।
अब जो पार्ट ऊपर का ओपन कर रखा है ना, इस वाले पार्ट को भी हम कमर में टकिंग करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। इस तरह से जब आप टक करती हैं तो ये वाला पोर्शन कभी भी राइट हैंड साइड का आपका पल्लू से कवर हो जाता है। सामने की प्लीट को देखिएगा, वो इधर उधर ना हो, और पल्लू को एक बार फिर से अच्छे से ठीक कर लेना है। एंड यहाँ पर हमारा जो फाइनल लुक है ना, वो आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप डेली वेयर में साड़ी को ईजिली परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं, और ऐसे आपका लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।